नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सुधीर भार्गव है और आज हम लोग पढ़ेंगे लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। और आप सभी जानते हैं कि अब ये बंद हो चुका है और इसका अपडेटेड वर्जन यूएनओ है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले, लेकिन इसकी जड़ जो है वो राष्ट्र संघ ही है, तो हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये कैसे बना था। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था ये। तो जिस समय ये युद्ध चल रहा था उसी समय ब्रिटिश विदेश मंत्री एडवर्ड ग्रे ने अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति विल्सन, वुडरो विल्सन के असिस्टेंट को, यानी जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था, उसको जो है एक पत्र लिखा और उसने कहा कि हमें एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए जो संधि भंग करने वाले और युद्ध के जो नियम होते हैं उनकी जो नियम होते हैं उनको भंग जो करते हैं उन राष्ट्रों पर नियंत्रण कर सके, ऐसे एक संस्था की स्थापना हमें करनी चाहिए। तो इसको जब उन्होंने, यानी एडवर्ड ग्रे ने जब उनके पर्सनल असिस्टेंट से बताया, तो पर्सनल असिस्टेंट ने वुडरो विल्सन को ये बात बताई होगी। जब उनको बताई तो उन्होंने इस पर विचार किया और उन्होंने 1916 में एक प्रस्ताव विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि हम एक संस्था की स्थापना करने वाले हैं, एक राष्ट्र की स्थापना करने वाले हैं। तो उन्होंने 28 फरवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया विश्व के आगे और 1 सितंबर 1918 को उन्होंने बताया कि हम जिस राष्ट्र की स्थापना करने वाले हैं वो विश्व शांति का एक अंग होना चाहिए। तो उन्होंने ये सब चीज़ों को, एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जो 25 जनवरी 1919 को हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाले हैं। तो 14 फरवरी 1919 को उन्होंने एक आयोग की स्थापना की जो कि राष्ट्र संघ के लिए नियम कानून बना सके, किस तरह उसका संविधान बनाना है, किस तरह वो काम करेगा, इसके बारे में बना सके, जिसमें ये जो 19 सदस्यों की जो आयोग बना था वो जो है विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों से थे, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, सभी से थे। और 28 फरवरी को जो है कुछ संशोधन के साथ ये सारे प्रस्ताव पास कर लिए गए और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हो जाती है और इसके संस्थापक वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे, उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी प्रमुख जो भाषाएं हैं, क्योंकि भाषा, किसी भी संस्था की भाषा बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां तो देश विदेश के लोग आते हैं और हर देश की भाषा अलग होती है, लेकिन सब लोग सब भाषा में तो बात नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए कुछ भाषाएं उसकी निर्धारित की जाती हैं। तो इसीलिए इसकी प्रमुख भाषाएं हैं फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्पेनी भाषा है। तो इसकी जो बनता है जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब होता है, जब वर्षाय की संधि होती है 28 जून 1919 को, यानी जब जर्मनी के हिटलर जो थे, हिटलर उस समय नहीं थे, घर हिटलर तो बाद में आए, उस समय जो है उसमें वहां के शासक दूसरे थे, तो उन्होंने जर्मनी की तरफ से हस्ताक्षर किए थे वर्षाय की संधि पर, तब जाके जो है विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें जो है 32 सदस्य थे, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें 32 सदस्य थे और उसके बाद 13 सदस्यों को न्योता दिया गया, यानी इनवाइट किया गया और उन्होंने इसकी सदस्यता को स्वीकार किया। लेकिन इसका सदस्य बनने के लिए पहले जो है उसकी असेंबली में जाना पड़ता है और वहां भी जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं उनका 2/3 मत की आवश्यकता होती है। यदि 2/3 मत हाँ कह देंगे तुम्हें शामिल करने के लिए, तो आप शामिल हो जाओगे और सदस्य मान लिए जाओगे। तो अब देखते हैं इसके लीग ऑफ नेशंस के अंग कौन कौन से हैं। तो इसके लीग ऑफ नेशंस के सदस्य जो अंग होते हैं वो जनरल असेंबली, और दूसरा काउंसिल होता है, और तीसरा सचिवालय होता है। तो जनरल असेंबली
जनरल असेंबली की मीटिंग साल में एक बार होती है और काउंसिल की मीटिंग साल में चार बार होती है, और इसके जो स्थायी सदस्य हैं जो काउंसिल के मेंबर हैं वो स्थायी सदस्य कहलाते हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस, इटली, जापान, ये चार राष्ट्र जो है काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। चलो जान लेते हैं कि राष्ट्र संघ जो अब बंद हो चुका है आखिर क्या इसकी असफलता के कारण रहे होंगे, आखिर कुछ तो रहे होंगे। तो सबसे पहला इसका जो कारण था वो ये था कि जो इसके मेंबर थे यानी जो इसके सदस्य थे उन्हें ही विश्वास नहीं था अपने संगठन पर कि ये संगठन किसी पर प्रतिबंध लगा पाएगा, किसी का कुछ उखाड़ पाएगा। तो पहला तो यही था कि राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों का विश्वास ना होना। दूसरा था कि जिस अमेरिका ने इसकी उत्पत्ति की, जिसने इसे पैदा किया, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको बनाया, और फिर वही अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं था, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली देश था, जो किसी पर भी किसी तरह का भी प्रतिबंध लगा सकता था तब भी और आज भी, तो वही इसका सदस्य नहीं था। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। और तीसरा कारण ये था कि जितने भी निर्बल जो भी उसके सदस्य थे वो निर्बल ही माने जाएंगे क्योंकि वो किसी पर प्रतिबंध लगा नहीं सकते थे। तो दुर्बल राष्ट्र द्वारा तानाशाह राष्ट्र थे उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाते क्योंकि वो दुर्बल थे, इसलिए। तो यह भी हो गया। और जर्मनी की सदस्यता का परित्याग इसका मुख्य कारण है। जर्मनी ने इसकी सदस्यता जो है 1926 में ली थी, लेकिन जैसे ही हिटलर जर्मनी का शासक बना वैसे ही 1933 में ही उसने इसकी सदस्यता को खुद से ही परित्याग कर दिया था, यानी उल्लंघन करने स्टार्ट कर दिए थे। और उसी समय रूस जो है इसका सदस्य बना भी था, और उसी समय हिटलर ने ये जो है इसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया। इटली के शासक का भी इस पर विश्वास नहीं था, वो इसे पूंजीपतियों का संगठन मानता था, इसलिए उन्होंने भी इसको जो है इसकी सदस्यता नहीं ली थी। तो और हिटलर का जो कार्यकाल है वो 1933 से 1945 तक था, और इसकी हिटलर की मृत्यु जो है 1945 में इसने जो है आत्महत्या कर ली थी। वर्षाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो ये हम देखेंगे जर्मनी व गठबंधन राष्ट्र के मध्य। और गठबंधन राष्ट्र जो थे वो कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रसिया। ये सब गठबंधन करके जर्मनी से लड़ रहे थे। तो जब जर्मनी ने साइन किया, और ये तो पहले से ही कह रहे थे कि हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तो जर्मनी ने जब साइन किया उसे ही वर्षाई की संधि कहते हैं, जो कि 28 जून 1919 को हुई थी। तो अब ये फेल कैसे हुआ, तो इतने सारे तो ये कारण हो गए कि अमेरिका का सदस्य ना होना, उनके सदस्यों पर विश्वास ना होना, दुर्बल राष्ट्र थे जो कि किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते थे, और तीसरा जर्मनी की सदस्यता का परित्याग करना, और चौथा था इटली के शासक का इस पर विश्वास ना होना क्योंकि वो इसे पूंजीपतियों का संगठन मानता था। तो जैसे ही जर्मनी ने सदस्यता परित्याग की, वैसे ही उन्होंने 1936 में राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। युद्धों का, युद्ध संधि, इन सभी का उल्लंघन करके उन्होंने राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। 1938 में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तब भी लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर सका उसका। राइनलैंड पर अधिकार किया तब भी यूएनओ जो राष्ट्र संघ है वो कुछ नहीं कर सका। जब उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही उन्होंने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, किसने, जर्मनी के हिटलर ने, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह इन राष्ट्र संघ के पतन का बहुत सारे कारण थे जिस कारण वो उसका पतन हो गया। और ये जो है 20 अप्रैल 1946 से अस्तित्व इसका खत्म हो गया, लीग ऑफ नेशंस का अंत हो गया। तो आप सभी ने जाना कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, और इसके मुख्य कारण क्या थे जिसके कारण ये असफल हो गया। और तो इसी का अपडेटेड वर्जन
जो कि बाद में रूजवेल्ट ने कहा था कि हम इसको अब थोड़ा इसी में संशोधन करेंगे, तो उन्होंने उसका यूएनओ नाम रखा और उसमें बहुत सारे संशोधन किए जो आज भी प्रभावी है और शायद वर्ल्ड वार III को रोकने में शायद सक्षम हो पाए। अभी तो नहीं हुआ है, फिर देखो क्या होता है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।